हेलो एंड वेलकम दोस्तों, प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल। अगर कोई नया हो हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर लाइक करें। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि हमारा प्रथम यूट्यूब चैनल का पेमेंट कब और कितनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद आया है। तो आज इस वीडियो में बहुत कुछ हेल्पफुल जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आइए दोस्तों, 2017 में मैंने YouTube चैनल की शुरुआत की थी मित्रों, और आज 2020 में मेरा $100 कंप्लीट हुआ था, और 2021 जनवरी में मेरा YouTube का प्रथम पेमेंट मुझे मिला था। तो दोस्तों, काफी खुशी हुई थी मुझे प्रथम YouTube चैनल पेमेंट मिलने पर, क्योंकि मित्रों काफी समस्या एम प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद में मुझे YouTube चैनल मिला था। एक बार तो मेरा चैनल भी डीमोनेटाइज हो गया था, और मेरा चैनल क्लीन नहीं होने की वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। आज हमारा काफी अच्छा लेवल होता है YouTube। तो गाइस, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी यूट्यूबर से जो नए यूट्यूबर हैं, खास तौर उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल को हमेशा क्लीन रखें, नहीं तो आपको मोनेटाइजेशन में काफी प्रॉब्लम होगी और आपका डीमोनेटाइज भी हो सकता है चैनल। और अगर आपने वीडियो सही नहीं डाले और अगर चैनल को क्लीन नहीं रखा तो यूट्यूब आपके चैनल को टर्मिनेट भी कर सकता है। 17 में हमने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और उस पर वीडियो चढ़ाया था। तो पहले मित्रों हमने यूट्यूब चैनल विश्व आदिवासी मीडिया करके मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। उसके बाद मैंने मेरे चैनल का नाम चेंज करके आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म कर दिया था, और अब मेरा यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं उसका नाम प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म है। आप सभी का प्यार लगातार बना रहा और मेरा चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। मुझे 1000 सब्सक्राइबर जब मेरे चैनल पर आए थे तो काफी मेहनत करना पड़ा था दोस्तों। काफी मेहनत के बाद जब 1000 सब्सक्राइबर आए थे तो बड़ी खुशी हुई थी, और धीरे धीरे हमारा वॉच टाइम भी करीब 1 साल लगा था मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करने में। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा पहला पेमेंट कब और कितने समय और कितनी मुसीबत फेस करने के बाद आया है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी ही। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर कोई नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं मित्रों कि चैनल मोनेटाइज होने के लिए 4000 घंटा वॉच टाइम एवं 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करने होते हैं। तो मुझे भी 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करने में लगभग 6 महीने लग गए थे, और 6 महीने बाद जब मैंने 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट किए और कुछ समय बाद मेरा 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, तो मुझे यूट्यूब की तरफ से एक मेल मिला कि आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने मोनेटाइज के लिए जब मेरा चैनल को अप्लाई किया, मेरा चैनल रिव्यू में गया, और फिर 1 महीने का इंतजार करना पड़ता है हमें। कभी कभी तो हफ्ते भर में ही मोनेटाइज अप्रूवल मैसेज आ जाता है हमें यूट्यूब की तरफ से। तो मुझे 15 दिन बाद मैसेज मिला कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों मैंने मेरे चैनल पर क्लीन नहीं रखा था। मतलब मैं कैमरा फेस करने में काफ़ी और शर्म महसूस होती थी। दोस्तों, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और एक छोटे से गांव से हूं, और कैमरे के सामने जाने से हमें डर लगता था। तो फिर हम कुछ छोटे मोटे वीडियो डाल दिया करते थे यूट्यूब पर, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। तो इसी कारण मेरा चैनल क्लीन नहीं होने की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया था। तो मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करता हूँ कि गाइस, अपने चैनल को क्लीन रखें, कोई कॉपीराइट वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करें, ताकि आपको बाद में मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम नहीं हो। इसी तरह मैंने मेरे चैनल को 3 बार अप्लाई किया था, तो तीसरी बार में जाकर मेरा चैनल, जब मैंने क्लीन किया चैनल, तभी जाकर मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। और मोनेटाइज होने के बाद में दोस्तों, YouTube एक ऐसी चीज़ है जिस पर रेगुलर रहना पड़ता है, और अगर हम ये रेगुलर नहीं बने रहते हैं तो हमारा चैनल हमारे चैनल पर व्यूज बराबर नहीं आते हैं। यही एक बहुत बड़ी इस सोशल मीडिया YouTube की खासियत है कि अगर आप इस चैनल पर रेगुलर बने नहीं रहते हैं तो आपका चैनल
इतना कम व्यूज आना, मतलब वीडियो वायरल नहीं होता है आपका, और फिर आपके व्यूज चैनल पर इतने कम कम हो जाते हैं कि फिर से आपको चैनल पर चैनल ग्रोथ करने में काफी समय लग जाता है। इसीलिए आप सभी नए यूट्यूबर मित्रों से निवेदन है मेरा कि आप हो सके जितना डेली अपडेट रहे यूट्यूब चैनल पर और अपने वीडियो कुछ डालें। हर रोज नहीं डाल सकते तो हफ्ते में एक आध वीडियो जरूर डालें। तो इसी तरह दोस्तों, जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आप समझ सकते हैं कि मुझे यूं समझिए कि पेमेंट आता है, जितनी खुशी होती है उतनी ही मुझे मेरा YouTube से जो YouTube वेरिफिकेशन पिन आया था, पिन का लिफाफा जब मुझे प्राप्त हुआ, मैंने एड्रेस प्रूफ और मेरे आधार वो डॉक्यूमेंट मैंने YouTube चैनल पर जब सबमिट किए थे, तो उसके बाद वो वेरीफाई पिन आए थे मुझे, तो बड़ी खुशी हुई थी। 6 डिजिट जो पिन आते हैं वो वेरीफाई होने के बाद, $100 कंप्लीट होने के बाद हमारे YouTube का फर्स्ट पेमेंट आता है, आप सभी जानते हो मित्रों। तो इसी तरह शुरू में मित्रों क्या होता है कि जो YouTube डॉलर बनता है जो काफ़ी कम बनता है, एक तो YouTube पर नए नए होते हैं और हमारा एक पेमेंट भी कम बनता है, तो हमें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं YouTube पर पैसे कमाने के हिसाब से नहीं आया था। मेरा एक मित्र है उदयपुर में, डीके चौहान, दिलीप कुमार चौहान बील करके हैं, तो मैं उदयपुर गया था तो मेरे उस मित्र ने मुझे बताया था कि आप YouTube पर चैनल बनाकर कुछ अर्निंग कर सकते हैं और लोकप्रिय भी हो सकते हैं। तो मुझे उसने उसके बताए हुए दो तरीकों में से मुझे एक चीज मुझे बढ़िया लगी थी, लोकप्रिय होने की। और दोस्तों मुझे भी अच्छा लगा था कि मैं भी मेरा खुद का YouTube चैनल हो जिसके माध्यम से हम YouTube पर वीडियो अपलोड करें, तो ये चीज़ें मुझे बढ़िया बचपन से अच्छी लगती थी कि अपन लोगों के सामने जाएं, कुछ वीडियो वगैरह बनाएं। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और मेरा 2017 में जब प्रथम वीडियो डाला, उसके बाद मित्रों मैं एक पार्ट टाइम के रूप में YouTube पर काम करता था, मैं फुल टाइम YouTube को नहीं दे पाता था क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं मित्रों, तो हमें हमारे पढ़ाई के साथ साथ में कुछ घर के काम भी करने होते हैं। तो इसी तरह मैं मित्रों पूरा टाइम YouTube को नहीं दे पाया, तो मेरा 2017, 2018, 2019 और धीरे धीरे 20 यानी 18, 19, 20 तीन साल हो गए मुझे YouTube पर काम करते हुए। जब मुझे पहला पेमेंट नहीं मिला तो मुझे बड़ा दुख हुआ, तो फिर मैंने मित्रों जब मेरे दोस्तों के देखता मैं YouTube पर कि लोगों को पेमेंट कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मित्रों मैंने एक डिसीजन लिया था अक्टूबर 2020 में। मैं मेरे एक YouTube मित्र के साथ में घूमने गए थे कुछ सॉन्ग शूटिंग करने के लिए, हम उदयपुर जिले के गोगुंदा में धोलिया जी भैरू जी बाबू जी का एक सुप्रसिद्ध स्थान है, पहाड़ी पर वो स्थान काफी प्रसिद्ध स्थान है, रविवार और शनिवार को वहाँ काफ़ी लोग घूमने आते हैं, तो हम वहाँ पे शूट करने गए थे। वहाँ पे हमारा पहला शूट था और जब कुछ सॉन्ग शूट करने गए थे तो वहाँ हमने सॉन्ग शूट करते हुए हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, जहाँ एक चमत्कारी घटना हुई थी जिसके कारण हमारी गाड़ी खराब हुई थी। यह हमारे YouTube के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। यही पर YouTube वर्क को लेकर हमने एक डिसीजन लिया जिसका जिक्र मित्रों में अन्य वीडियो में करूंगा और पूरी घटना भी बताऊंगा। इसी तरह आपका प्यार लगातार मिलता चला गया दोस्तों और हमारे सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे बढ़ते गए चैनल पर, आप सभी का प्यार बना रहा। और इसी प्रकार जब हमने प्रण लिया कि हमारा अगर 2 महीने में जब हमारा पेमेंट कई बार हमारा यूट्यूब से पेमेंट कट जाता था और $100 कंप्लीट होने में काफ़ी समय लग रहा था और हो नहीं पा रहा था, तो फिर हमने और प्रॉपरली मैं तो दोस्तों ऐसा था कि मैं प्रॉपरली YouTube पर काम कर ही नहीं पा रहा था, करता ही नहीं था, मुझे टाइम मिल ही नहीं पा रहा था। अब दोस्तों मैंने प्रॉपरली वर्क करने के लिए एक डिसीजन लिया कि 2020 की अक्टूबर को मैंने यह एक डिसीजन लिया कि 2 महीने मैं YouTube पर वर्क करूंगा और अच्छा वर्क करूंगा और अच्छे ज़्यादा वीडियो बना के डालूंगा, अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगा, और 2 महीने में अगर मुझे YouTube का फर्स्ट $100 कंप्लीट हो गया तो मैं अपने मित्रों को पार्टी दूंगा। प्रॉपरली वर्क करना मैंने YouTube पर 2020 अक्टूबर में चालू किया था और मैंने 2 महीने प्रॉपरली अच्छा वर्क किया था YouTube पर, तो मेरा पहला जो YouTube पेमेंट है कंप्लीट $100 हुआ था
और मेरा प्रथम पेमेंट मुझे 2021 की जनवरी में प्राप्त हुआ था। तो प्रथम पेमेंट प्राप्त होने से पहले मैंने मेरी बैंक डिटेल वगैरह वगैरह सब बैंक डिटेल यूट्यूब पर एड्रेस वगैरह सब सबमिट किया था। जनवरी 2021 में मेरा यूट्यूब से प्रथम पेमेंट आया तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई थी। मित्रों 3 साल बाद जब मेरा यूट्यूब का पहला पेमेंट मुझे मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं फिर यूट्यूब पर प्रॉपरली काम करना मैंने शुरू कर दिया। फिर कुछ समय तक मैं यूट्यूब पर प्रॉपरली काम किया और उसके बाद मैं यूट्यूब पर काम नहीं कर पाया था प्रॉपरली और मेरा चैनल भी डीमोनेटाइज हो गया था तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मित्रों मैं यूट्यूब पर रेगुलर नहीं रह पाया और कुछ चैनल क्लीन नहीं होने की वजह से मेरा एक बार डीमोनेटाइज चैनल हुआ तब मुझे बड़ा दुख हुआ। उसके बाद मित्रों मैं आप सभी के आशीर्वाद से दोबारा यूट्यूब पर काम करना शुरू किया है और अब आप सभी का प्यार बना रहा और आप सभी का आशीर्वाद प्यार बना रहे और इसी तरह हम लगातार यूट्यूब पर काम करते रहेंगे और आगे भी काम करते रहेंगे। तो इसी प्रकार मेरा जो फर्स्ट पेमेंट मित्रों मुझे जनवरी 2021 में मिला तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था कुछ समय के लिए और फिर काफ़ी समय बाद मैंने यह वीडियो बनाया है मित्रों। तो बड़ी खुशी हुई मुझे यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट मिला। मित्रों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मित्रों काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने के बाद जब प्रथम यूट्यूब पेमेंट मिला तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और प्रथम मुझे पेमेंट मित्रों 4 डिजिट में मिला था। $106 मेरा प्रथम पेमेंट आया था और फिर उसके बाद प्रॉपरली यूट्यूब पर वर्क नहीं होने की वजह से मुझे दूसरा पेमेंट नहीं मिल पाया। आशा करता हूँ मित्रों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें। आपका कोई सवाल हो मित्रों तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी मेरे पास मित्रों कैमरा नहीं है तो मैं प्रथम पेमेंट आ गया है तो अब मैं कैमरा ले आऊँगा और कैमरा स्टैंड ले आऊँगा और मेरे YouTube के लिए मैं प्रॉपरली वर्क करूँगा और इसी तरह मित्रों आपका सहयोग सपोर्ट मिलता रहे, आपका आशीर्वाद बराबर मिलता रहे और जो नए हैं हमारे चैनल पर वो हमें सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। दोस्तों अगर आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहा तो YouTube पर बहुत बढ़िया अच्छा काम करेंगे और आपको बढ़िया अच्छे अच्छे वीडियो दिखाएंगे और इसी तरह आप मित्रों का साथ बना रहे। हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए उत्साह के साथ। जय हिंद।